तो बच्चों आज के फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता क्या है? तो हिंदी तो होता है बाबू सार्थक अंक। देखो बात को समझो बच्चों कि अगर किसी चीज को तुम नापते मापते हो मेजरमेंट करते हो, तो मान लो किसी चीज को नापे तो 25.2 मीटर आया नापने के बाद, ठीक है। इसका मतलब इतना जहां तक तुम लिखे हो वहां तक तुमको कॉन्फिडेंस है। हो सकता है यह 25.2 से थोड़ा आगे हो, 2 और 3 के बीच में पड़ रहा होगा, जिसे 2 और 3.2 और 0.3 के बीच में यहां मेजरमेंट पड़ रहा होगा, तो तुम यहां तक कॉन्फिडेंस था इसलिए 2 लिख दिए, आगे तुमको पता ही नहीं है इसलिए तुम नहीं लिख पाए। तो तुम लगभग अंदाजा भी लगा सकते हो कि हाँ भाई यह होगा। तो किसी चीज को नापने मापने के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखते हैं मात्रक के साथ। जैसे कोई चीज को हम तौले तो बोले कि 1.5 किलो लगभग लग रहा है, 1.5 किलो तक तुमको लग रहा है कि भाई तुम्हारे पास बटखारा है कि हाँ 1.5 किलो है। उसके बाद भी कुछ कुछ होता है लेकिन तुम्हें उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जिन नंबरों पर जिन अंकों पर तुम्हें नापने मापने के बाद कॉन्फिडेंस है कि भाई इतना तक तो सही है, उसी को हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। मान लो बच्चों बाबू कि कोई चीज है जो 2 किलोग्राम, देखो तुम्हारे पास बटखारा है, ठीक है, और बटखारा 10 ग्राम तक का है, 10 ग्राम तक का तुम चीजों को नाप सकते हो। तो तुम कोई चीज को नापे तो 260 ग्राम नापे, और 260 ग्राम से बड़ा है और 270 ग्राम से कम है। 260 ग्राम से बड़ा 270 ग्राम से कम है तो तुम 260 लिखे। तो इन नंबरों पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है। तो जिन नंबरों पर तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा मेजरमेंट में उसी को सिग्निफिकेंट डिजिट सार्थक अंक कहते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को भौतिक राशि को नापने मापने में द डिजिट्स वह अंक यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली, माने एक्यूरेट मतलब सही किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने में जिन डिजिट्स का प्रयोग हुआ आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उन्हें हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे कि मान लो लंबाई बराबर मेरा दिया गया है 15.3 मीटर, 15.3 मीटर, तो यह 1.5.3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। यह नंबर मापने में यूज हो गए तो उसे हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। तो किसी चीज को नापने मापने में, जैसे मान लो तुम अपना हाइट नाप रहे हो, तो तुम हाइट नाप रहे हो हाइट नाप के अपना हाइट लाते हो 162 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 162 तक तुमको कॉन्फिडेंस है, मान लो 162 यह आंकड़ा, यह हाइट 162 है और यह हाइट 163 है और तुम्हारा हाइट यहां तक आया, तो तुम बोलोगे 162 है। अब यहां पे क्या है तुमको पता नहीं, 162 कुछ और है लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तो जहां तक तुम कॉन्फिडेंस हो, जहां तक तुम सही तक नाप पाए, उसी को सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या क्या यूज हुए, 1, 6 और 2। समझो बच्चों सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को नापने मापने में सही तरीका से जिन डिजिट्स का प्रयोग होता है उसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। जैसे लंबाई 15.3 है तो 1, 5 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कहे जाएंगे। देखो किसी भी चीज को समझने के लिए, अभी जो फिजिक्स क्लास चल रहे हैं, अब तो मैथ के भी क्लास चलने लगे हैं, तो फिजिक्स के क्लास के जस्ट बाद मैथ का क्लास आने लगा होगा, तो सब लोग डेली वीडियोज को देखो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, 11th के सभी बच्चों तक जो घर बैठे हुए हैं उन तक सभी वीडियोज को पहुंचाओ, क्योंकि बेस्ट है बच्चों इजी और सबसे आसान और सबसे अच्छा इस रेंज के फिजिक्स को सीखने का, इससे अच्छा चैनल नहीं हो सकता है।
ध्यान दो बच्चों, अब तुम सोचो कि कभी तक तो सर ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है कि जो जिसके बारे में बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा चैनल है, तो पढ़ाया जाएगा बच्चों। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन बच्चों को गांव देहात से लेकर आईआईटी तक पहुंचाया गया है, बहुत बहुत बच्चों को डॉक्टर बनाया गया है, लेकिन जुड़े रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो ध्यान से बच्चों, आगे हम चीजें बता रहे हैं, लेकिन लाइक करो और वीडियोज को आगे बढ़ाओ, जो समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि आने वाले कुछ वक्तों में सरकारी नौकरी का जो जनरल तैयारी का सेक्शन है वह नहीं होने वाला है। तुम्हारा बहुत सारा जो आर्ट्स कॉमर्स या हिंदी मीडियम साइंस लेने के चक्कर में होगा वह गलत डिसीजन होगा बच्चों। तुम एक लीडर बनकर उसे प्रेरित करो और पढ़ने के लिए बोलो, धीरे धीरे ही सही समझ में जरूर आने लगेगा और आगे बढ़ने भी लगोगे। इतना तो अपने आप पे विश्वास जरूर रखो बच्चों। ध्यान दो, काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिनना है हमें। तो देखो पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वह सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि 4763 मीटर दिया है, इसमें चार सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4। मान लो दिया है 523, 1 2 3, ठीक है बच्चों। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है और शून्य संख्या है, 5 2 और 3, सब क्या होगा, क्या होगा बच्चों, तो सिग्निफिकेंट होगा। जीरोज एट एंड ऑफ नंबर, एट एंड ऑफ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो लास्ट में जीरो होंगे वह सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो बाबू 1300 दिया हुआ है, तो एक या एक सिग्निफिकेंट डिजिट है या तीन है, लास्ट में जो जीरो होंगे वह सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट यहां कितने हुए, 2। मान लो 2 3 4 जीरो है तो 3, ठीक है बच्चों। मान लो दिया है 5 6 0 0 0 0, तो सिर्फ 2। लास्ट में जो जीरो होते हैं उसे हम सिग्निफिकेंट में नहीं लेंगे। पहले जीरो लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, पहले जीरो लिख दो उससे कोई मतलब है नहीं, तो लास्ट में जीरो लिखने पे कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन बिना जीरो वाला नंबर, से एक बिना जीरो वाला है, तीन बिना जीरो वाला है, तो यह सिग्निफिकेंट में जरूर गिना जाएगा। तीसरा रूल है जीरोज, हिंदी समझते रहे हो बाबू, जीरो एट एंड ऑफ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो बीच में फंस गया, शुरू में तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में जीरो गिनाएगा नहीं, जीरो अगर बीच में फंस गया तो उसे सिग्निफिकेंट में गिनोगे। 4 हो गया बच्चों, जीरो अगर बीच में फंस गया तो गिनोगे, 4 हो गया। 2 0 1 0 3 0 लास्ट वाला नहीं गिना जाता है, 1 2 3 4 5 बीच वाला, 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होगा गिनाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अब कोई भी नंबर जो डेसिमल सिस्टम ना हो, कोई भी नंबर तुम लोग जरूर गिन लोगे बच्चों, सोचो जरूर गिन लोगे कोई भी नंबर। अपन एग्जांपल लगाओ, अब तुम्हारे मन में आएगा 100, सर 100 बताइए था, इसमें एक वो सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पे एक है ना, एक, लास्ट वाला जीरो नहीं गिनाएगा। सर 200 में कितने सिग्निफिकेंट है, तो 1। 2000 में सर, तो 1, लास्ट वाला जीरो नहीं गिनाएगा। 2010 में सर, तो 3, लास्ट वाला नहीं गिनाएगा, नंबर के बीच में जीरो गिनाएगा। तो जरूर समझ जाओगे। अब कहोगे तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ देर पहले आसान नहीं था, बढ़ा दिए तो आसान हो गया। तो सबसे पहले आसान चीज या टफ चीज, कुछ नहीं होता है, तुम्हारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन तुम्हें पता है तो आसान है तुम्हारे लिए, इसलिए ध्यान दो। इसको बाबू नोट कर लोगे 1 2 3 पॉइंट, जब भी हम वीडियोज को बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लोगे वीडियो रोक कर, और उसके बाद तुम इसको नोट कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से समझो कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने मापने में अंकों का डिजिट्स का प्रयोग होता है, जिन नंबरों पर हमें कॉन्फिडेंस है उसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में आगे देखते हैं इन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम मतलब दशमलव पद्धति में, ठीक है। पॉइंट जीरोज एट जीरोज बिफोर और आफ्टर डेसिमल, बिफोर और आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ नंबर इज लेस देन वन, लेस देन वन। नंबर अगर एक से छोटा हो, नंबर एक से छोटा हो, तो जिसे 0.0023, तो दशमलव से पहले जो जीरो है और दशमलव के बाद जो जीरो है वह सिग्निफिकेंट में नहीं गिने जाते हैं। यहां सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, एक या और एक या, ठीक है। 0.00000203, तो दशमलव के पहले जो जीरो है और दशमलव डेसिमल के बाद जो जीरो है वह सिग्निफिकेंट में नहीं गिने जाते हैं। नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट में गिने जाते हैं और नॉन जीरो डिजिट के बीच वाला भी गिना जाता है, इसलिए तीन सिग्निफिकेंट डिजिट इसके पास होगा। क्लियर है बच्चों? जीरोज आफ्टर आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल सिस्टम में जीरो, वह जीरो जो नॉन डिजिट नॉन जीरो के बाद आ जाए तो वह सिग्निफिकेंट में गिने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0.00002030, ध्यान देना, दशमलव के पहले जीरो या दशमलव के बाद जीरो नहीं गिनाएगा, यह गिनाएगा, बीच वाला गिनाएगा, यह गिनाएगा, ये भी गिनाएगा। क्यों गिनाएगा? कि दशमलव में डेसिमल सिस्टम में अगर नॉन जीरो के बाद कोई जीरो आता है तो गिनाएगा, नहीं इसके लास्ट में जो जीरो आएगा गिनाएगा, यानी बिना डेसिमल वाला से थोड़ा अलग हो गया। अच्छा, यह सब रूल है, काउंटिंग रूल है सिग्निफिकेंट डिजिट का, जरूर ध्यान रखना। जैसे मान लिया जाए बाबू 0.02300000, 1 2 3 4 5 6, इसमें लास्ट वाला जीरो गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा बच्चों? तो तुम ये तुम खुद जान रहे हो कि यहाँ पे नॉन जीरो के बाद जो जीरो आते हैं वो गिने जाएंगे, बीच में जीरो गिने जाएंगे, नॉन जीरो के बाद जो जीरो आएंगे गिने जाएंगे, लेकिन दशमलव का पहले वाला जीरो और बाद वाला जीरो नहीं गिनाएगा। अगर ऐसे हो कि 0.100 तो गिना जाएगा तीनों, लेकिन नॉन जीरो के बाद फिर जीरो आया ना, ठीक है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, नंबर अगर एक से बड़ा या एक से बराबर हो, देन ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तब उस समय सभी चीजें सिग्निफिकेंट होंगी, मतलब 1.00203 तब सब गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 और इसके बाद सब गिनाएगा। मतलब एक डेसिमल पद्धति में, दशमलव वाला में, डेसिमल पॉइंट में अगर नंबर एक के बराबर हो या एक से बड़ा हो, या एक से इससे बड़ा नंबर है, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ को गिन के लिख देना है। जब यहां 0.00 शुरू होता है तो थोड़ा झंझट है कि दशमलव के पहले वाला जीरो नहीं गिनेंगे, दशमलव के जस्ट बाद वाला जीरो नहीं गिनेंगे, नंबर के बाद वाला जीरो गिनेंगे, बीच वाला जीरो तो गिनना ही गिनना है। तो काउंटिंग रूल बता दिए बच्चों, ध्यान से इसको फिर से वीडियो को रोक कर तुम लोग नोट करते जाओगे, पॉइंट्स नोट कर लोगे और फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाते हैं। ध्यान पूर्वक मेहनत करते हुए चीजों को समझना है। देखो बच्चों, मान लो तुमसे कोई पूछा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। कोई इसको पूछा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2, लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं गिने जाते हैं। कोई बोलेगा इसमें बताओ, तो बीच वाला जीरो गिना जाता है, इसलिए 4, ठीक है।
बीच वाला जीरो जीरो गिनाता है लेकिन लास्ट वाला नहीं गिनाता है, एक केवल पांच लास्ट वाला जीरो नहीं गिनाएगा। 0.0137 तो जस्ट तीन, एक दो तीन, 0.01007 चार, बीच वाला जीरो गिना जाएगा, 0.01700 तो चार, एक दो तीन चार यह गिना जाएगा, और एक दशमलव या दो दशमलव या तीन दशमलव रहे तब तो सब गिनोगे, एक दो तीन चार पांच छह सात, इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करते हैं। तो काउंटिंग रूल है सिग्निफिकेंट डिजिट का, सबसे पहले वह डिजिट्स जो किसी चीज के नापने मापने में प्रयोग हो रहे हैं एक्यूरेटली उन्हें हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, और सिग्निफिकेंट डिजिट का काउंटिंग रूल क्या है यह हम तुम्हें अभी बताएं। अब हम इसके बाद तुमको बताने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट इन कैलकुलेशन। ध्यान देना बच्चों, देखो आप कहोगे बहुत सा नॉर्मल सा पढ़ाई आज पढ़ा रहे हैं आप, सब कुछ सिलेबस में है, सब कुछ जानना है। इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुमको आसान से लेके टफ चीज तक सब कुछ पढ़ाएंगे। अभी मेरा आसान आसान टॉपिक चल रहा है, इसके कुछ दिनों के बाद जब वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा सदिश राशियां, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा गति, तो हमारा स्पेशलाइज पढ़ाई शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक सभी लोगों को जोड़ो और बच्चों को सिखाओ कि प्लेलिस्ट में जाए, पीछे के वीडियोज को देखें, नोट्स तैयार करें और आगे बढ़ें। ध्यान दो बच्चों, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में हम लोग को सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है। तो देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है पहले बता दे रहे हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाव बताएंगे, फिर गुणा भाग हम बताएंगे। ध्यान दो, ठीक, इसको बाबू जोड़ना है हम लोग को, तो जोड़ो 2 2 5 4 4 जोड़ दिए, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर इसका क्या जोड़ होगा, तो इसमें देखो दशमलव के बाद कई स्थान तक दिया है, दो स्थान तक, और इसमें दशमलव के बाद कई स्थान तक दिया है, एक स्थान तक, तो आंसर जो है लीस्ट डेसिमल प्लेस तक दिया जाता है, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक दिया जाता है, दशमलव का सबसे कम स्थान तक आंसर दिया जाता है, मतलब आंसर बाय सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर, आंसर बाय सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर देखना हो तो हम लोग देखेंगे आंसर। देखो यह डेसिमल के दो स्थान तक है या एक स्थान तक है, तो दो और एक में एक छोटा है, एक स्थान तक आंसर देंगे, यानी आंसर यही देंगे, आंसर देंगे 444445.2। मान लो अगर क्वेश्चन दे दिया गया जोड़ या घटाओ में, यही रूल है कि आंसर दिया जाता है सबसे दशमलव के सबसे कम स्थान तक, मान लो आंसर दिया है, ठीक है ठीक बच्चों, इनको जोड़ना है, जोड़ो 244421 यह जोड़ा है, यह डेसिमल के तीन स्थान तक है, दशमलव के बाद तीन स्थान तक है, यह दशमलव के बाद डेसिमल के बाद दो स्थान तक है, और यह एक स्थान तक है। तो आंसर क्या होता है, जोड़ घटाव जब सिग्निफिकेंट डिजिट में हम लेते हैं तो आंसर दिया जाता है लिस्ट में सबसे कम में, तो दशमलव का सबसे कम स्थान एक स्थान तक है, इसलिए आंसर दिया जाएगा यह आंसर हो गया, क्लियर है बच्चों। मान लो आंसर तुमको जोड़ दे दिया, इसको जोड़ने के लिए दिया 2422221, यह डेसिमल के बाद तीन प्लेस तक है और यह डेसिमल के बाद दो प्लेस तक है, तो आंसर तीन और दो दिया है तो दो प्लेस तक देंगे, क्योंकि देखो पूरा सिस्टम एक्यूरेसी देखता है, मेजरमेंट में एक्यूरेसी, तो दुए स्थान तक एक्यूरेट है, उसके बाद हम यहां जीरो मान के इसको जोड़ रहे हैं, तो मान रहे हैं यानी कि हम नहीं कुछ नहीं है तो जीरो मान रहे हैं, लेकिन नहीं है इसका मतलब यहां डाउट है, हमको शक है कि क्या है क्या नहीं है,
तो शक वाला को नहीं लेते हैं सिग्निफिकेंट नीट में, जिस पे विश्वास है उसी को लेते हैं। तो विश्वास बस डेसिमल के दो स्थान तक में है, इसलिए आंसर जो होगा वो 122.24 होगा। क्लियर है बच्चों? इसको हुआ सिग्निफिकेंट डिजिट इन कैलकुलेशन में जोड़ घटाओ में। उम्मीद करते हैं तुम समझ गए होगे, जोड़ना या घटाना अगर डेसिमल प्लेस में दिया हुआ होगा तो आंसर दिया जाएगा सबसे कम डेसिमल प्लेस तक। मान लेते हैं अगर इसमें डेसिमल प्लेस होगा ही नहीं तो लेंगे ही नहीं। क्लियर? अब ध्यान दो बच्चों, अब इसके बाद हमारा अगला आता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में, गुना भागा में। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आता है मेरा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन गुना भागा में अगर हमको बात किया जाए तो देखो, मान लो बच्चों मल्टीप्लाई करना है इतना और इनटू 1.1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा देखो, ध्यान देना, यह मिलेगा, मल्टीप्लाई करके लाओगे यह मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1 2 1 1 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 मल्टीप्लाई होके आया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। तो आंसर इज गिवेन इन लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं कम इसमें? तो 2। तो 2 डिजिट में आंसर देंगे, तो 2 डिजिट में आंसर यह होगा। आंसर क्या होगा बच्चों? 1.3। समझो ध्यान से, आंसर क्या होगा? 1.3। 2 ही डिजिट में हमको आंसर देना है, समझे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कि अगर मेरा क्वेश्चन कुछ भी दे दे, क्वेश्चन दे दिया 1.1 × 1.1 करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1.21 मल्टीप्लाई करोगे। यह 2 डिजिट में है और यह भी 2 डिजिट में है, आंसर भी 2 डिजिट में दिया जाएगा, 1.2 आंसर होगा सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर। यानी कि डेसिमल प्लेस में जोड़ घटाव वाला केस में हम लिस्ट डेसिमल तक आंसर देते थे, उसमें डिजिट नहीं देते थे, लेकिन गुना भागा में हमको डिजिट गिनना है कि क्वेश्चन में कितने डिजिट्स दिए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 1.2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.44 आता है, लेकिन इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो आंसर 2 ही डिजिट में जाएगा, तो 1.4 ही आंसर होगा। समझे बच्चों? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगर 1.2 × 1.2 × 1.2 करते हैं तो 1.728 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखा करो, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाई करके देखा करो। यह 2 डिजिट में है, यह 2 डिजिट में है, यह 2 डिजिट में है, तो आंसर 2 डिजिट में ही आएगा, तो आंसर होगा 1.73। इसको राउंडिंग ऑफ, सॉरी 1.7, 2 ही डिजिट में आंसर आएगा। मतलब कम डिजिट में आंसर देना होता है, मतलब अगर मान लेते हैं 25 × 4 तो 100 लिखे सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, यह 2 डिजिट में है, 1 डिजिट में है, तो ये भी एक ही डिजिट है, कहोगे एक डिजिट है सर, तो हाँ सिग्निफिकेंट डिजिट देखे हैं, लास्ट वाला नहीं गिनते हैं। 25 × 5 दे देगा तो कोई लड़का 125 लिखेगा गुना करके, क्या सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर बनाओ। तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो आंसर एक ही डिजिट में, तो इसका 1 डिजिट में आंसर 100 दिया जाएगा। गलत है गुना, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट में 100 सही है, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या कहता है कि यह 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, तो आंसर एक ही डिजिट में आना चाहिए, तो 1 डिजिट में 100 देना पड़ेगा ना। अब कहोगे 1 ही दे देते हैं, तो नियरेस्ट देना है, 1 डिजिट का नियरेस्ट आंसर, 1 डिजिट का नियरेस्ट आंसर 100 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी तुम्हें बताया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने मापने में डिजिट्स का प्रयोग होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट में जो डिजिट यूज होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट गिनने का रूल बताएं और फिर कैलकुलेशन बताएं। मान लो कोई पर्सन इतना किया, कोई यहां किया, तो यह ज्यादा एक्यूरेट है इससे, इसका एक्यूरेसी जो है इसके एक्यूरेसी के तुलना में ज्यादा दिया हुआ है बच्चों, यह ज्यादा एक्यूरेट तुमको दिख रहा होगा क्योंकि यह 2 स्थान तक एक्यूरेट दिया है।
यही इसमें इस मेजरमेंट में दो सिग्निफिकेंट डिजिट और इस मेजरमेंट में तीन सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा तो ज्यादा एक्यूरेट होगा। किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने मापने में ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा तो वह ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है बच्चों, तो आज बहुत ही नॉर्मल सा पढ़ाई तुम्हें पढ़ाए हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, कैसे गिना जाता है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेशन यूज होता है, जोड़ घटाओ में कैसे यूज होता है। बुक्स में पढ़ सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, और वीडियो समझ गए हो तो जरूरत नहीं है, यह सब बहुत नॉर्मल से टॉपिक है। अगले क्लास में हम तुम्हें लेकर आएंगे इरर एनालिसिस। इरर एनालिसिस टॉपिक होता है त्रुटि विश्लेषण, मापने नापने में गलतियां भी हो जाती हैं, उन गलतियों को बताने के लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद वेक्टर चैप्टर में एंट्री करेंगे। तब तक के लिए अभी तक का पढ़ाई को कंप्लीट करो सब लोग। अभी देखो बहुत कम कम पढ़ा रहे हैं लेकिन वेक्टर के बाद स्पीड को बदल देंगे, लेकिन तब तक सब सीखो। सब लोग जो पीछे वीडियोज कंप्लीट नहीं किए हो सबको कंप्लीट करो, और मैथ के वीडियोज भी जस्ट इसके आगे जाने लगे हैं तो उन वीडियोज को भी कंप्लीट करो। ट्रिग्नोमेट्री चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़े, हम तो बायोलॉजी लेंगे, उनको भी अभी पढ़ना जरूरी है। हम बोल देंगे कि कब से पढ़ना जरूरी नहीं है। अभी बायोलॉजी वाले बच्चे भी जो बायोलॉजी लेने वाले हैं वो भी मैथ के वीडियोज को जरूर देखेंगे ध्यान से। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।